हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, गर्मी पड़ना शुरू हो गई हैं और इतनी गर्मी में सबका मन करता है कि कुछ ठंडा खाएं। तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी, जिसे आप इजीली घर पर बना सकते हैं। और घर पर बनाई गई जो कुल्फ़ी होती है वो बहुत हेल्दी भी होती है। कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें लेना है 1 लीटर दूध। अगर फुल क्रीम दूध लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मैंने ली है 4 से 5 क्रश की हुई इलायची, बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए काजू और 5 से 6 चम्मच चीनी। अब सबसे पहले दूध को हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। दूध बॉईल हो गया है, अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे और दूध को स्पून से चला लेंगे। हमें दूध को 1/4 होने तक मीडियम लो फ्लेम पर ऐसे ही बॉईल होने देना है। और हर 2 मिनट में हम दूध को चलाते रहेंगे, जिससे कि दूध तली में लगे नहीं। अब ये जो दूध है वो अपनी एक्चुअल क्वांटिटी का लगभग 1/3 हो गया है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। अब दूध को फिर से बॉईल होने देंगे 1/4 होने तक। अब ये देखिए, दूध जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी का 1/4 हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये जो हमने मलाई बनाई है इसको रूम टेम्परेचर पर हम इसको ठंडा होने देते हैं। अब ये देखिए, मलाई बिल्कुल परफेक्ट है कुल्फ़ी बनाने के लिए। मलाई को मोल्ड में भर देंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, किसी भी बर्तन एयर टाइट कंटेनर में जमा सकते हैं कुल्फ़ी को। अब इन मोल्ड्स को फ्रीज़र में हम 7 से 8 घंटे या फिर रात भर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अब कुल्फ़ी जम गई है और मोल्ड से इनको निकाल लेते हैं। अभी अब ये देखिए, कुल्फ़ी बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।